नमस्कार जी, नमस्ते जी। मेरा केस कल्होत्रा दिल्ली से, प्रणाम। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। मैं पिछले साल मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, उसकी वजह से मुझे काफ़ी महंगी महंगी दवाइयाँ खानी पड़ी, जिसका मासिक में 5,000 रुपये का बिल बन जाता था। अब जब से मैंने प्रधानमंत्री जन औषधि की दवाई लेनी स्टार्ट की है तो मेरा खर्चा 600 रुपये में आ गया है, और मेरी पहले पहले मतलब कितना होता था? 1,000 रुपये का खर्चा आ रहा था। तो कितना पैसा बचा? कितना पैसा बचा? 2,400 रुपये। अच्छा, यानी करीब करीब 5,000 रुपये बच गया जी। हाँ, अच्छा, और लोगों से बात होती है क्या इस विषय में आपकी, क्या सस्ती दवाई? क्योंकि कई लोग आपको डराते होंगे, अरे भाई ये सस्ती दवाई मत लो, ये तो मर जाओगे तुम, ये तो झूठी दवाई होगी, सही दवाई नहीं होगी, ये पता नहीं मोदी जी क्या लेकर के आए हैं, ऐसा नहीं कहते लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैंने अपने साथ 300 लोगों को और जोड़ लिया है, जिनकी मैं हर संडे जाकर दवाई लेके आता हूँ। अच्छा, आप खुद जाकर के आते हैं? हाँ जी, हाँ जी, उनके लिए लेके आता हूँ, उनको देता हूँ, तो उनको समझाता हूँ कि सेम इसमें सॉल्ट है, इसका सेम MG चेक करना है, और आप ये दवाई ले सकते हैं, क्योंकि जो जेनी दवाई है और पेटेंट दवाई है उसमें सिर्फ रेट का ही फर्क होता है, बाकी उसका स्वाद, उसका रंग रूप जो भी है अलग हो सकता है, लेकिन उसकी जो पावर है वो सेम होती है। अच्छा, ये लोग समझने लगे हैं अभी? हाँ जी, उनको समझाता हूं। आप जाते होंगे तो लोग कहते होंगे तुम्हें कमीशन मिलता है इसलिए आ रहे हो, ऐसा नहीं करते? लेकिन उनको बताता हूँ, भैया जी मैं सेवा के लिए ये काम करता हूँ, इसमें कोई मेरा लालच नहीं है, मैं सेवा की भावना से ये काम कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि हमारा देश ऐसा है, विश्वास कभी कभी सच्चा इंसान सेवा भाव से करे तो भी कुछ न कुछ लोग उसके बेचारे पर सर पे कुछ न कुछ मर देते हैं। नहीं, लोगों का काम तो है ही कहना, वो कहते रहेंगे, अगर ऐसा देखेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आपके यहाँ ऑनर कौन है, ये जो आपके यहाँ से जिस दुकान से आप लेते हैं? सर नमस्ते, मैं रॉबिन शर्मा। हाँ, द्वारका सेक्टर 6 से शॉप ओनर हूँ सर। कब से शुरू किया, कैसे किया, क्या क्या हुआ जरा बताइए ना सर। जब से हम लोगों ने आपको बहुत ही क्लोजली फॉलो करना चालू किया और जानकारी मिली कि जन औषधि केंद्र पर जो दवाइयाँ आप उपलब्ध करवा रहे हैं भारत सरकार के माध्यम से, वो बहुत ही सस्ती दरों पे मिल रही है। द्वारका एक बहुत ही पॉश लोकेलिटी है और यहाँ पे बहुत ही स्वास्थ्य सेवाएं काफ़ी महंगी है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह की, और फिर जो दवाइयाँ मिलती थी बहुत महंगी थी, लोग बहुत त्रस्त थे। मैं खुद फार्मासिस्ट हूँ, बाद में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, हमको जनसेवा के भाव से जो आप मार्ग प्रदर्शित कर रहे हैं उस पे चलते हुए लोगों की सेवा करने के लिए हमें भी जन औषधि केंद्र खोलना चाहिए, तो हम लोगों ने इसको आरंभ किया है सर।